क्या कहेंगे, जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हो रही है। बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। कल तक तो इसे अफवाह बताया जा रहा था। कल तो हर चीज कब क्या हो जाए, अभी गाड़ी चल रही है बताएंगे बड़ी तेज जा रही है, वहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन जानता। अभी आप सामने कोई जा रहा है, पदाधिकारी बोल रहे थे कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ था, बताया कि ये महज अफवाह है, हमारी मजबूत प्रत्याशी हैं, सपा और भाजपा से फाइट कर रही हैं, इसलिए विपक्षी घबराए हुए हैं। कहीं से थोड़ा हल्का फुल्का सुने रहे होंगे, पूरा कंफर्म नहीं था, इसलिए कहे अफवाह है। अचानक से टिकट कट गया धनंजय सिंह का? कट नहीं गया, सरेंडर कर गए, पता लग रहा सरेंडर कर गए, वो हाथ उठा लिए, कट नहीं गया। हाथ उठा लिए। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोगों को कहना है अंदर की जानकारी आपको अरे कैसे पता? अंदर की जानकारी है कि जेल गए थे, जेल से उसी आधार जमानत उनकी हुई, छूटे हैं, मतलब अपराधी की इतिहास है, अब जो अपराध किया हो तो डरता रहेगा सरकार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है ये कोई नहीं जानता है। अभी कल तक जो है अफवाहों का बाजार गर्म था, ये कहा जा रहा था श्रीकला धनंजय का जो टिकट है वो बसपा काट सकती है, लेकिन कल शाम को ही बसपा का कार्यालय खुला, उसमें जो है घनश्याम चंद खरवार आए, जोनल जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, सपा और भाजपा से फाइट कर रहे हैं, इसलिए टिकट नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो है जो हालात है, आज सुबह ही पता चलता है कि बसपा सांसद जो सांसद हैं उनको फिर से एक बार बसपा ने टिकट दे दिया है। आप देख सकते हैं हम उनके आवास पर मौजूद हैं और समर्थकों के बीच है, लगातार जो समर्थक हैं वो लगातार मिलने आ रहे हैं बसपा सांसद से बधाई देने के लिए। चाचा जी, कल तक तो अफवाह लोग कह रहे थे कि अफवाह है, श्रीकला धनंजय का टिकट नहीं कटा है, और बीएसपी ने खुद ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की थी, और जोनल कोऑर्डिनेटर भी आए थे, वो भी कहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी मजबूत प्रत्याशी हैं, लड़ रही हैं, सपा से लड़ रही हैं, भाजपा से लड़ रही हैं, इसलिए लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अचानक से इस तरह की जब आप खबरें सुनते हैं भाई, ये अचानक ही खबर है ना, और अचानक खबर सुनने के बाद आदमी जरूर सोचेगा कि ये कैसे हुआ, राजनीति का ऊंट करवट किस करवट बैठेगा कोई पता नहीं सकता है। और सबसे बड़ी चीज है एक एक सेकंड बदलता रहता है, इसलिए थोड़ा सा जनता के बीच भी लोगों का ये विश्वास हट रहा है कि क्या हो रहा है, ये राजनीति के चैनल में ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज अब ये है, जरूर है कि पुनः ये सांसद पूर्व में रहे भी, अब पुनः सांसद का टिकट मिल भी गया और पुनः सांसद होंगे भी। ऐसे तो सपा की जो मुश्किलें तो बढ़ सकती है सर, बिल्कुल बढ़ेगी। जो यादव वोटर हैं कहीं ना कहीं श्याम सिंह को मिलेंगे ना, श्याम सिंह से जुड़े हैं जो, वो रहेंगे। भाजपा के लिए राह आसान हो जाएगी सर? नहीं, राह नहीं आसान होगी, भाजपा का राह जो है वो वहीं रहेगा, चाहे वो श्रीकला लड़ती या श्याम सिंह यादव लड़ रहे हैं, लड़ाई इन्हीं से है, लड़ाई है। हाँ, मानते हैं। रहेगी तो आप लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब इतनी खुशी हुई, बिल्कुल खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि खुशी हुई। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? बदलाना है तो भाई के क्या कहेंगे, क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है। कितने बजे यहाँ पहुँचे हैं? हम तो 6 बजे पहुँचे हैं। 6 बजे सुबह? हाँ, सुबह 6 बजे। सांसद जी ने फोन किया होगा आपको? जानकारी हुई पहुँच गए। सांसद जी ने नहीं किया, किसी और माध्यम से पता लगा, 6 बजे में पहुँच गए। खुशी नहीं होती तो आते क्यों? अचानक से टिकट कट गया धनंजय सिंह का? कट नहीं गया, वो सरेंडर कर गए, पता लग रहा सरेंडर कर गए। वो हाथ उठा लिए, कट नहीं गया। हाथ उठा लिए। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोगों को कहना है अंदर की जानकारी आपको कैसे पता? अंदर की जानकारी है कि जेल गए थे, जेल से उसी आधार जमानत उनकी हुई, छूटे हैं, मतलब अपराधी की इतिहास है, अब जो अपराध किया हो तो डरता रहेगा सरकार से, वही तो डरेगा। हम आप क्यों डरेंगे, मतलब तो सोचे कि जिंदगी बचा लें कि राजनीति करें, मतलब
इस वजह से आप मान रहे हैं टिकट कट गया? इस वजह से नहीं, यही वजह है। हाँ, अभी तक तो सांसद जी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तमाम चीजें अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने एक लेटर जारी करके सोशल ओपन लेटर लिखा था। तो इनकी हिम्मत थी, मतलब किसी कुब्बत हुए लिखने के लिए तो इस तरह से लिखे, ये तो इनकी कुब्बत थी लिखने के लिए। लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने आश्वासन दिया था, और कोई टिकट दे दिया तब लड़े ना क्यों, इनको तो टिकट 2 बजे रात को दिया गया। तब बताइए, अखिलेश यादव के खिलाफ जब ये लिखते हैं सोशल मीडिया पे तो कई यादव समाज के लोग नाराज तो नहीं है इसलिए, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया। हाँ, इन्होंने सच्चाई लिखा था, नाराजगी किस बात की? हाँ, बोले थे कई बार अखिलेश यादव से मौका, हाँ उस वादा किया था, तो इन्होंने सच्चाई लिखा। ये राजनीतिक पैतरे नहीं जानते थे, तो नेता थे नहीं, मतलब ये तो सच्चाई लिख दिया, सच्चाई ये तो प्रशासनिक अधिकारी से लिख देते हैं, ये तो सच्चाई जानते थे ना कि हमसे कोई कह दिया है तो बात पक्की। लेकिन राजनीति में क्या हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन होता है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्षण क्षण परिवर्तन, क्षण क्षण परिवर्तन। आपकी तो उम्र भी हो गई, कितने साल के चाचा जी? 70 साल के। बहुत चुनाव देखे होंगे आपने? बिल्कुल देखा है। ऐसे देखा है कभी की क्षण क्षण टिकट? बिल्कुल कटता, क्षण क्षण बदला हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। अच्छा, ये लग रहा है बाबू सिंह कुशवाहा के लिए मुश्किल जो सपा प्रत्याशी हैं, क्योंकि समय बताएगा अभी इस पर बहुत कहना, अभी कभी कहना उचित नहीं है, समय बताएगा। यादव वोटर श्याम सिंह यादव की तरफ अभी तो तत्काल में रात में टिकट मिला है, पर्चा भरने जा रहे हैं, फील्ड में निकलेंगे, अब जनमानस की आवाज़ आएगी, अब तो समय बताएगा, फील्ड बताएगी ना। कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा के लिए राह आसान, ये कहना है ना, लेकिन अब समय बताएगा किसके लिए आसान है, मतलब अब किसके लिए कठिन। क्या कहेंगे सर, कब पहुंचे हैं हम 2 घंटा हो गए। क्या कहेंगे जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हो रही है? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। कल तक तो इसे अफवाह बताया जा रहा था, कल तो हर चीज कब क्या हो जाए, अभी गाड़ी चल रही है बताएंगे बड़ी तेज जा रही है, वहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन जानता। हाँ, अभी आप सामने कोई जा रहा है, पदाधिकारी बोल रहे थे, कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ था, बताया कि ये महज अफवाह है, हमारी मजबूत प्रत्याशी हैं, सपा और भाजपा से फाइट कर रही हैं, इसलिए विपक्षी घबराए हुए हैं। कहीं से थोड़ा हल्का फुल्का सुने रहे होंगे, पूरा कंफर्म नहीं था, इसलिए कहे अफवाह है। बसपा के जो भी कहे हल्का फुल्का सुनाई दिया होगा तो उसी आधार पर बताते हैं। क्या लग रहा है जौनपुर का जो सियासी समीकरण बदल गया है? हाँ, बदल गया है, ये जीत जाएंगे सांसद जी जो अब जिनको अब टिकट मिला है। तो जनता के बीच आप भी जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आप सांसद जी के भाई हैं? धर्म सिंह यादव, श्याम सिंह यादव के भाई हैं आप? उनके भाई। कितने आपको भी 2 बजे रात ही बता दिया था आपके सुबह? आप छोटे हैं बड़े हैं? हम तो छोटे उम्र में लंबाई में बड़े। अच्छा, देखने में बड़े लगते हैं। हाँ, छोटे उम्र में छोटे हैं। हम तो बसपा में थे जब कांशीराम साहब थे, तभी बसपा में थे कांशीराम साहब। हाँ, बीच में फिर हमको थोड़ा बिजनेस का चस्का लग गया, 99 चक्कर। अच्छा, पिछली बार तो जो है सपा का गठबंधन था बसपा का, तो इस वजह से कुछ लोग मानते हैं जीत हुई, तो इस बार फैक्टर बदलेगा? ये तो समय बताएगा भाई ना, कहाँ से कहा हो जाए, किसी का परिचय खारिज हो जाए सपा वालों को, तब क्या करेंगे? अगर हो जाए तो हो रहा ना हर जगह। तो कहाँ जाएंगे तब सपा वाले, फिर गठबंधन हो जाएगा, फिर गठबंधन। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा का परिचय खारिज हो जाता, मत कहिए अभी क्या है, अब 2 मिनट में क्या हो जाएगा। हाँ, जानता है? कौन जानता है, कल तक महज अफवाह जो था। हाँ हाँ, बीएसपी के ही लोग, एक क्षण क्षण पर हर चीज बदलती रहती है। और भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। बीएसपी कार्यकर्ता है जी। कितने बजे सूचना मिली कि आपके जो प्रत्याशी बदल दिए गए? हमको भी मिली है सुबह 8 बजे जी। तब अब कहें तो समीकरण भी बदल गया? नहीं, क्या समीकरण, चुनाव बीएसपी निकलेगी, पूर्व सांसद रह चुके, वर्तमान में सांसद रहे हैं, अब भाई वो मना कर दिए चुनाव लड़ने के लिए, तो उससे क्या
बीएसपी के कार्यकर्ता हम लोग जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, हम लोग गांव-गांव में कैडर किए हैं, लोगों से हम लोग मिलते जुलते हैं। अब वो मना कर दिए चुनाव, हमारे सांसद जी चुनाव श्याम सिंह यादव जो पूर्व सांसद में रहे हैं वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको इतनी अंदर की बात कैसे पता उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया लोगों, सोशल मीडिया पे हमने लोगों ने देखा गया, और जो दिशा निर्देश बहन जी का होगा हम लोग उसके चलेंगे। पिछली बार तो सपा से गठबंधन था बसपा का, हाँ, इस वजह से लोग मानते हैं कि जीत फैक्टर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बसपा का जो जमीनी हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने क्षेत्र में चला है, देखा है, लोगों से मिले हैं हम लोग, हम लोगों को पता है कि बीएसपी बहन जी, मान्य बहन जी के आदेश पे हम लोग काम करते हैं जमीनी स्तर पे। ये चुनाव देखिए, अब तो चुनाव एक तरफा था, अभी है बीएसपी चुनाव मैदान में है। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं बीजेपी का बी टीम, नहीं ये बीजेपी की बी टीम तो सपा है, सपा बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी तो अपना अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। आयन वक्त पे प्रत्याशी बदल नहीं, देखिए मान्य में भी इसी तरह से बदल दिया गया था बीएसपी की, तो ये मान्य बहन जी का जो आदेश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। जी क्या कहेंगे सर, पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहन जी का फैसला है जो हम लोग सर मान रहे हैं। आयन वक्त पे कुछ भी, हम लोग बहन जी पुजारी हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग बहन जी पुजारी है, जो भी आदेश होगा, हमारी देवी हैं, जिंदा देवी, हम लोग मानते हैं। समीकरण कुछ नहीं, सब समीकरण बीएसपी वाले, बीएसपी जिताएंगे, बात खत्म हो गई। जी समीकरण अच्छा है, यादव एक नंबर पे पूरा व्यवस्था, यादव भोलपुरी मरली विधानसभा समाजवादी है, सदर जो है मुगरा जो है बदलापुर सुहागंज, कोई दिक्कत नहीं। यादव तो कहते हैं सपा को वोट करेंगे, कहना करना एक अलग चीज है। जी कहना एक अलग, माना जाता है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर जहाँ अखिलेश यादव कहेंगे वहीं वोट जाएगा, भी मानने की देखिए अलग विषय है, वो माना जाता है, माना कुछ और होता है, वो कहते हैं, लेकिन रियल में क्या वो सामने आएगा, आने वाले जो चुनाव परिणाम होगा आप लोग देखेंगे। सपा का खेल तो बिगड़ जाएगा, सपा खेल बिगड़ेगा कि बीजेपी बिगड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम चुनाव लड़ेगी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो है बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के आवास पर पहुँचे हैं, लोगों से खास बातचीत कर रहे थे, किस तरह से रातों रात जो है श्रीकला धनंजय का टिकट काट करके ये चर्चा है कि बसपा सांसद जो है श्याम सिंह यादव को दिया जाता है। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।